दोस्तों नमस्कार दोस्तों, सुधनेट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास है सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक, और मैं आपको आज बताऊंगा कि इस बाइक में आपको क्या क्या एक्स्ट्रा एक्सेसरीज देखने को मिलती है। जब आप ये बाइक शोरूम पे परचेस करेंगे तो क्या क्या आपको फ्री एक्सेसरीज और क्या क्या आपको पेड एक्सेसरीज प्रोवाइड की जाएगी शोरूम की तरफ से। तो इस वीडियो में आपको ए टू जेड जानकारी दूंगा एक्सेसरीज के बारे में इस बाइक से रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक में आपको क्या क्या फ्री एक्सेसरीज देखने को मिलती है, जिसके लिए आपको एक भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसके आप देख सकते हैं ये साइड व्यू मिरर्स हैं, जो कि आपको शोरूम की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट लगाए जाएंगे। सेकेंडली हम बात कर लें तो इसके साइलेंसर पे आप देख सकते हैं ये कैटालिटिक कन्वर्टर के ऊपर एक कवर दे रखा है, ये भी आपको फ्री में लगाया जाता है, जो कि होंडा एसपी 125 में नहीं देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक सिल्वर की प्लेट भी देखने को मिलती है, ये भी आपको शोरूम की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं साइड वाइज, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक सारी गार्ड लगा के मिलता है, जो कि शोरूम की तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगा, इसके आपको एक भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इस बाइक में आपको क्या क्या पेड एक्सेसरीज देखने को मिलती है, जो कि शोरूम की तरफ से आपको कंपलसरी दिया ही जाता है, क्योंकि शोरूम वाले अगर आप एक्सेसरीज नहीं लेंगे तो आपको बाइक डिलीवर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पेड एक्सेसरीज का प्राइस उन्होंने चार्ज करा था वो 2084 रुपीस चार्ज करा था, और साथ ही साथ इस हेलमेट का उन्होंने 1190 रुपये चार्ज करा था, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस लगा। आप देख सकते हैं इस हेलमेट की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, हीरो कंपनी का स्टड्स का हेलमेट है, और ये देख सकते हैं हाफ फेस हेलमेट उन्होंने दिया था, जो कि 1190 रुपीस का था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पेड एक्सेसरीज के बारे में। सो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं पेड एक्सेसरीज के फर्स्ट वार्ड की, तो आप देख सकते हैं ये जो हैंडल ग्रिप कवर है ये आपको एक पेड एक्सेसरीज के रूप में दिया गया था। साथ ही साथ आप देख सकते हैं इस बाइक में आपको लेग गार्ड जो होता है ये भी आपको एक पेड एक्सेसरीज के रूप में दिया जाता है, इसके वो लोग 490 रुपये चार्ज करते हैं, जो कि 2084 रुपये में जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ब्रेक पैड पर एक उन्होंने रबड़िंग लगाई थी, ये भी आपको पेड एक्सेसरीज के रूप में दिया जाता है। इन सब के टोटल आर उन्होंने 2084 रुपये चार्ज करा था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने एक खंडेलवाल हीरो का एक साइड बैग लगा के दिया था, जिसमें आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत स्पेस आपको देखने को मिल जाता है, ये एक डिग्गी की तरह से काम करता है, इसीलिए हम लोग ने उसको लगवा लिया था। सो फ्रेंड्स, बात कर ली इस बाइक के पेड एक्सेसरीज के बारे में, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये हैंडल कवर, जो कि ग्रिप कवर के नाम से जाना जाता है, हीरो कंपनी का है, ये उन्होंने उसमें पेड एक्सेसरीज के रूप में चार्ज करा था। सेकंड हम बात कर लें तो इसमें आप जो लेग गार्ड देख सकते हैं ये भी उस पेड एक्सेसरीज में इंक्लूड था, जिसके 484 रुपये दाम था, जो कि 2084 में जुड़ा हुआ था। साथ ही साथ आप एक देख सकते हैं ब्रेक पैड, ये भी इसके साथ आपको पेड एक्सेसरीज के रूप में अलग से लेना होगा। उसके बाद हम पीछे आ जाते हैं तो हम बात कर लें, देख सकते हैं ये आपको एक बैक का एक बॉक्स दे रखा है, जो कि साइड बॉक्स हो सकता है, इसमें आपको थोड़ी बहुत स्पेस देखने को मिल जाती है, ये भी उन्होंने पेड एक्सेसरीज के रूप में चार्ज कराया था, जिसका उन्होंने अलग से ही पैसा लिया था, जो कि 2084 रुपये में इंक्लूड था। आप देख सकते हैं बैक की क्वालिटी तो मुझे अच्छी लगी। उसके बाद ये देख सकते हैं आप, ये सीट कवर हो गया, ये भी उन्होंने पेड एक्सेसरीज के रूप में ही चार्ज करा था, और ये काफ़ी बढ़िया सीट कवर है, मुझे लगता है कि ये सीट कवर तो काफ़ी अच्छा आपको देखने को लग ही रहा होगा। फ्रेंड, उसके बाद आप देख सकते हैं ये एक डॉक्यूमेंटेशन वाला कार्ड है, ये भी उन्होंने एक्सेसरीज के रूप में ही दिया था, लेकिन उसका उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं लिया था। लेकिन आप देख सकते हैं इसके साथ आपको दो एक की रिंग देखने को मिल जाता है, और एक आपको एक्स्ट्रा चाबी दी जाती है। साथ ही साथ इसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन रखने की ज़रूरत पड़े तो आप इसमें डॉक्यूमेंटेशन रख सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सीट ओपनर की, तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमने सीट को चाबी घुमाया और यहाँ से सीट ओपन हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें आपको एक टूल बॉक्स देखने को मिलता है, जो कि हर बाइक में आपको दिया जाता है, और एक सेफ्टी फर्स्ट एस्टेट किट भी दिया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। और ये टूल बॉक्स है, इसके अंदर भी आपको दिखा देता हूँ क्या क्या आपको एक्सेसरीज दी जाती है, ये लगभग उन्होंने फ्री दिया था, आप देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं, तो दोस्तों इस मेडिकल किट के अंदर आपको रोल बैंडेज, एंटीसेप्टिक क्रीम, वॉशप्रूफ प्लास्टर और ऐसे 6 आइटम्स देखने को मिलती हैं, जो आपकी आपके स्क्रीन पर शो हो रही होगी। और साथ ही साथ इसके अंदर कुछ अंडर सीट स्टोरेज मिलता है, जिसमें आप अपना डॉक्यूमेंटेशन रख सकते हैं, और साथ ही में इसके टूल बॉक्स में आपको 4 टूल देखने को मिलते हैं। साथ में इस बाइक के साथ आपको RC इंश्योरेंस और अदर डॉक्यूमेंटेशन शोरूम की तरफ से अवेलेबल करा दिए जाते हैं। तो ये ओवरऑल जो बाइक है हमको 97,000 रुपये में ओवरऑल एक्सेसरीज पड़ गया, क्योंकि हमको दिवाली सेल में फ्लिपकार्ट की तरफ से 13,000 रुपये का नगद डिस्काउंट मिला इस बाइक के ऊपर, नहीं तो शोरूम वाले इस बाइक का हमसे 1,10,000 रुपये मांग रहे थे, लेकिन हमने फ्लिपकार्ट से जाकर इस बाइक को ऑनलाइन बुक करा, वहाँ पर इस बाइक का हमने शोरूम प्राइस पेड करा, तो हमको ये बाइक जाकर ऑन रोड 97,000 रुपीज़ में पड़ गया। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के
के साथ शेयर करना। अगर आपको भी 125 सीसी बाइक लेना है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।